हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। तो आज मूव करते हैं वीडियो नंबर 61 ऑफ सीजन 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ऐसा टर्म है जिसका बार बार डिस्कशन आज के टाइम में हो रहा है। सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट जीडीपी जीएफसी एनडीपी एंड एनएनपी। जीडीपी जीएनपी से रिलेटेड डिस्कशन काफी हो रहा है, उसको भी हमने डिस्कस किया है। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप उसको जाके देखिए, ताकि ये जो कंटिन्यू हम डिस्कशन अब करने वाले हैं वो डिस्कशन आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट एंड जस्ट चेक इट आउट कि आज हमको क्या डिस्कशन करना है आपके साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि आज हमको क्या चीजें वो डिस्कस करनी है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किया था जीडीपी और जीएनपी से रिलेटेड, बहुत अच्छा एक डिस्कशन हुआ था। और मैं ये चाहूंगा अपने ऑडियंस से कि वो, मैं स्टूडेंट से कि वो उस वीडियो को जाके देखें, ताकि ये वाला जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ये और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आगे जो टर्मिनोलॉजीज हमसे डिस्कस करने वाले, उससे पहले हम थोड़ा सा छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट इज अबाउट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता था, जो हमने पास्ट में भी डिस्कस किया, फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द एंटरप्राइज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक वर्ड का मतलब ये कि इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर की बात यहाँ पे कुछ हो रही है। तो ये लिखा रहा है कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हमने डिस्कस किया है कि वो गुड्स जो कि बिल्कुल तैयार है कंज्यूमर्स के लिए, अब उसमें किसी भी तरीके का कोई काम करना बाकी ना ही हो। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल द एंटरप्राइज, यानी सारी कंपनियां एक साल के अंदर मिलके एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर, यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन करती है एक साल के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा करते हैं। अगर नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो नेशनल प्रोडक्ट में क्या होगा कि नेशनल प्रोडक्ट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू अमाउंट ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट वेदर ऑपरेटिंग विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड। अब देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंसेप्ट में हमने ये बात कही थी कि इंडिया के अंदर जो भी इनकम अराइज हो रही है, जो भी काम हो रहा है, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट होगा। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे अपने लोग जो हैं वो कंट्री के अंदर कोई काम करें, या फिर हमारे ही अपने लोग दुबई में, अमेरिका में, जापान में जाके कोई काम करते हैं, तो वो नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, रिफर्स टू अमाउंट ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट वेदर ऑपरेटिंग विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड, यानी हमारे अपने लोग चाहे वो कंट्री के अंदर कुछ काम हो रहा हो या फिर कंट्री के बाहर जाके किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम नेशनल प्रोडक्ट में लेते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम सिर्फ अप कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो बाहर वालों द्वारा हो रहा है, चाहे देश वालों के द्वारा हो रहा है, उसी को हम लिया करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें और हैं जो हमको देखना है, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज एट द मार्केट प्राइस। एट द मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को भी लिया जा रहा है जब मार्केट प्राइस का डिस्कशन होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पास की वीडियोस को जाके चेक करिएगा, जहां पे हमने इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को डिस्कस किया है, वहां पे ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर प्राइस। अब देखिए, फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट की क्लास 11th में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था। उसमें बताया था कि किसी भी सामान को बनाना है, लेट सपोज इस मार्कर को बनाना है, तो चार चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक जमीन का इन्वॉल्वमेंट होगा, दूसरा मजदूरों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तीसरा कैपिटल लगेगी, और चौथा एक बंदा होगा जो इन सारे ऑपरेशंस को संभालेगा। जमीन के ऊपर आप रेंट पे करते हो, लेबर्स को आप वेजेस देते हो, कैपिटल पे आप इंटरेस्ट पे करते हो, और जो मुनाफा आता है वो आपके एंटरप्रेन्योर्स के पास जाता है। तो नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अराइजेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज। यानी जब कोई काम किया जाता है तो कुछ काम करने में जो लोग वो काम को कर रहे हैं उनको इनकम भी होती है, तो वो लोग जो कि फाइनल गुड एंड सर्विसेज बना रहे हैं उनको इनकम भी हो रही है। जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री जो हायर की गई है वो ऑब्वियसली उस पर रेंट की बात की जाए, उसके बाद वेजेस जो होता है वो लेबर्स को दिया जाता है, और इंटरेस्ट कैपिटल पे होता है, और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। यानी कहने का मतलब है कि
वो लोग जो कि जमीनें प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फाइनल गुड एंड सर्विसेज को बनाने में मदद करते हैं उनको रेंट मिलता है, जो लोग वहां पे जाके काम करते हैं उनको वेजेस मिलता है, जो लोग अपनी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है, वो जो सारे इन सारे ऑपरेशंस को संभालता है उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये एक छोटी सी चीजें थी जो हमने डिस्कस किया। मार्केट प्राइस फैक्टर प्राइस का मतलब समझ लीजिएगा, मार्केट प्राइस में हम यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को लिया करते हैं, और फैक्टर प्राइस का मतलब सिर्फ आपके फैक्टर कॉस्ट से मतलब होता है, सिर्फ आपके रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट से होता है। ओके, सो पहली टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं और पहले डिस्कशन को देखते हैं। तो क्या है, देखिए पहला डिस्कशन क्या है कि जीडीपी एट एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये होता था कि फाइनल गुड एंड सर्विसेज जो कंट्री की या देश की बाउंड्री के अंदर बनाए जा रहे हैं देशवासी द्वारा और बाहर के लोगों द्वारा, दोनों द्वारा देश की बाउंड्री के अंदर किसी भी तरीके का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो जीडीपी का पार्ट होता था। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का क्या यहां पे मतलब हुआ, जीडीपी मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द गिवन ईयर। अब देखिए यहां पे जब हम जीडीपी एमपी की बात कर रहे हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस क्या होगा कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि देश के अंदर बनाए जा रहे हैं और उन पूरे सामानों की एक्चुअली वैल्यू कितनी हो रही है। तो जब हम जीडीपी एमपी की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि यहां पे हम एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज जैसी चीजों को भी लिया करते हैं। यहां पे क्या कह रहा है कि बीइंग ग्रॉस इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। देखिए ग्रॉस और नेट के ऊपर एक डिस्कशन हुआ था, हमने एक वीडियो उस पे बनाई थी। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, यानी हम डेप्रिसिएशन जब इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो नेट हो जाता है, और जब डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं तो वो ग्रॉस रहता है। तीसरी बात, इट मेजर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ नेशनल एज वेल एज नॉन नेशनल इन द टोटल प्रोडक्शन, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि फाइनल गुड एंड सर्विसेज और उसकी मार्केट वैल्यू। तो ये फाइनल गुड एंड सर्विसेज जिसकी मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये बनाता कौन है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल एज वेल एज द नॉन नेशनल, यानी नेशनल और नॉन नेशनल दोनों देश के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो वो हम जीडीपी कहते हैं, और मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर वैल्यू को लिया जा रहा है तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। ओके, सो जीडीपी एमपी के डिस्कशन के बाद यहाँ पे हमें जो डिस्कशन करना है वो जीएनपी एमपी के डिस्कशन के ऊपर हम आ जाते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज यानी पूरे फाइनल गुड एंड सर्विसेज जो बनाए गए हैं मैन्युफैक्चर किए गए हैं उनकी वैल्यू को लेना, और उनको कौन मैन्युफैक्चर करता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम जीएनपी एमपी के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ देशवासियों से मतलब होता है कि हमारे अपने लोग देश के अंदर, हमारे अपने लोग बाहर जाके कितना काम कर रहे हैं, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो जीएनपी एमपी का पार्ट होता है। एंड इट इज अ इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी जब ग्रॉस की बात होती है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं किया जाता है, डेप्रिसिएशन तब डिडक्ट होता है जब हम नेट की बात करते हैं। While GDP MP include entire production within the domestic territory both by national and the non-nationals, यानी GDP MP में हमने क्या discussion किया था? GDP MP में हमने बात किया था कि पूरा production जो कि domestic territory या domestic boundary के अंदर हो रहा है देशवासियों द्वारा या फिर बाहर के लोग अगर करें, आके करें देश के अंदर, तो वो GDP MP का part होता है। लेकिन GDP JNP MP में हम सिर्फ ये लेते हैं कि हमारे अपने लोग देश के अंदर और देश के बाहर जाके क्या क्या और किस किस तरीके से कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो दैट वाज द जीडीपी एंड एमपी एंड द जीएनपी एमपी। ओके, अपने लास्ट वीडियो की तरफ आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक की तरफ सॉरी आ जाते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया जीडीपी एमपी जीएनपी एमपी, अब जीडीपी एमपी का रिवर्स यानी एनडीपी एमपी हमको डिस्कस करना, और जीएनपी एमपी का रिवर्स एनएनपी एमपी रिवर्स डिस्कशन करना है। तो नेट की जब बात हो जाएगी तो इसका मतलब कि इसमें से डेप्रिसिएशन को हटा दिया गया है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी क्योंकि हम जब यहाँ पे बेसिकली डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात होगी कि देश के अंदर जो पूरा फाइनल गुड एंड सर्विसेज बनाया जा रहा है आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब होता है जिन मशीनों के जरिए सामान को बनाया जा रहा है
वो मशीन एक साल दो साल तीन साल में कितना डेप्रिशिएट होती जा रही है, तो उनको भी हम लेस करते चलेंगे, उनको भी माइनस करते चलेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगा? इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब एनएनपी एमपी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नॉर्मल नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यानी हम अपने देशवासियों की बात कर रहे हैं। तो देशवासियों की जब बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि मार्केट वैल्यू पूरे फाइनल गुड एंड सर्विसेज की जो कि देशवासी द्वारा बनाए गए हैं, चाहे देशवासी भारत के अंदर रह के काम कर रहे हो या फिर भारत के बाहर जाके काम कर रहे हो, आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, यानी जिन मशीनरी जिन टूल्स के जरिए हम किसी सामान को कारखाने में बना रहे हैं वो मशीनरी कुछ कुछ दिन बाद डेप्रिशिएट होती रहती है, कुछ कुछ दिन बाद उनकी वैल्यू घटती रहती है, तो हम सारे सामान में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने जीडीपी जीएनपी एनएनपी एनडीपी को मार्केट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। अगले टॉपिक में हम फैक्टर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द वीडियो नंबर 61। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कंटिन्यूअसली कमेंट करते रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए ताकि हम आपके लिए और प्रोडक्टिव वीडियोस लेके आपके सामने आते रहे। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।